एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बॉटनी का आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी कमेंट्स में आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए और डायरेक्ट मैसेजेस के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का चैनल जो है खुला हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था, मैं आपको जनरल पेपर एक बार बताऊंगी, पहले अभी हम बॉटनी और जुआलॉजी के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो जुआलॉजी के फर्स्ट और सेकंड पेपर को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब चलिए चलते हैं बॉटनी की तरफ। सबसे पहले पेपर फर्स्ट में हमें देखना है एल्गी के बारे में, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, मरीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरीके से हो सकता है, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन डिफरेंट क्लासेस में, ग्रुप्स में, फैमिलीज में कैसे होती हैं, और एल्गा के क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, फिर हमें यही चीज़ करनी है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखना है डिफरेंट क्लासेस का फंजाई के बारे में, उसके सेल का अल्ट्रास्ट्रक्चर जानना है, उनके सेल वॉल का कंपोजिशन जानना है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हेट्रोथेलिज्म कैसे प्रेजेंट होता है, पैरा सेक्शुअलिटी क्या होती है, और अभी क्लासिफिकेशन में जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं उनके बारे में जानना, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमें लगभग सबका जानना है। फंजाई के साथ साथ आपको माइकोरहाइजा और लाइकेन के बारे में भी पढ़ना है। फिर थर्ड पे आता है हमारा आर्की बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, अल्ट्रास्ट्रक्चर उनका, और प्रियॉन्स, एल फॉर्म्स, वायरॉइड्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक, वायरॉइंस का अल्ट्रास्ट्रक्चर, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, मतलब जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपको सब पढ़ लेना है इसमें। फिर आता है जनरल अकाउंट ऑफ डिजीजेस कॉज बाय प्लांट पैथोजन, फिर मॉलिकुलर बेसिस क्या है होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन का, पैथोजन अटैक कैसे करता है, डिफेंस कैसे करता है प्लांट, और कितने इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं। और आपको देखिए ध्यान देना है कि राजस्थान की जो क्रॉप्स हैं उसमें जो डिजीज़ लगती है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना और उनका कंट्रोल देखना है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल देखना है। फिर है फिफ्थ में आपका जनरल कैरेक्टर देखना है आपको किसका किसका, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट का, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन और इंटर रिलेशनशिप भी देखना है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका इवोल्यूशन ऑफ स्टील, इसमें हमें पढ़ना है कि किस तरह से हेट्रोस्पोरी डेवलप हुई थी, सीड हैबिट डेवलप हुआ था, और पैलियोबॉटनी के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। सिक्स यूनिट में है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसमें हमें प्रिंसिपल्स देखने हैं नॉमेनक्लेचर के, फिर टैक्सोनॉमिक टूल्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट सिस्टम क्या है क्लासिफिकेशन का, बेंथम हुकर है, एंगलर प्रेंटिल है, हचिनसन है, तख्तजान है, सब देखना है हमें। ठीक है, फिर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, पैलिनोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, जीनोम एनालिसिस और न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, इन सब का क्या रोल है टैक्सोनॉमी में। और देखिए कभी भी आप कुछ भी पढ़िए तो राजस्थान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चाहे फ्लोरा पढ़िए चाहे फोना पढ़िए, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़नी है, और एंजियोस्पर्म का फाइलोजेनी भी आपको पढ़ना है। सेवन्थ यूनिट है आपका जनरल कॉन्सेप्ट क्या है प्लांट मॉर्फोलॉजी का, ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे हुआ था फ्लावर का, प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानेंगे, फोलियर स्टैमेन क्या होते हैं, ओपन कार्पल क्या होते हैं, रूट और शूट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, और एपिकल मेरिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है ना, एट्थ यूनिट में हमें देखना है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप करते हैं, पॉलिनेशन और पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रायोजेनेसिस, सीड डेवलपमेंट, फ्रूट फॉर्मेशन, सब कुछ हमें यहाँ पर एम्ब्रायोलॉजी का यूनिट है इसमें देखना है, और फ्रूट मैच्योरेशन का भी हमें मॉलिकुलर बायोलॉजी देखना है। नाइन्थ यूनिट में आ जाता है हमारा इकोलॉजी, इकोलॉजी में जो पूरा नेट का सिलेबस है इकोलॉजी का, लाइफ साइंस का, सेम आपका वही है पूरा। ठीक है, बस इसमें फाइटो जियोग्राफिकल रीजन देख लीजिएगा कि कौन से इंडिया को किस किस रीजन में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ दियर फ्लोरा। ठीक है, और राजस्थान का स्पेसिफिकली क्या वेजिटेशन है और कैसे इकोसिस्टम सर्विसेज वर्क करती हैं, इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हमें वही पढ़ना है, टॉक्सिकोलॉजी वाले डिपार्टमेंट से ही है ये आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का सारा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ये देखिए, ये नेट के सिलेबस से थोड़ा और एक्स्ट्रा है, प्लांट सिविलाइजेशन के बारे में हमें जानना है, सेंटर ऑफ ओरिजिन, जीन डाइवर्सिटी, कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके का प्रेजेंट है, कहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिक क्रॉप्स दिए हैं जैसे राइस, वीट, बाजरा, पल्सेस,
ड्रग्स दिए हैं, ऑयल सीड्स दिए हैं, फाइबर दिए हैं, तंबाकू दिया है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, तो इन्हें आपको पढ़ना है। समझ लीजिए आपका इकोनॉमिक बॉटनी है। फिर देखना है एथनोबॉटनी के बारे में भी, जो प्लांट्स उतने अपने पोटेंशियल के हिसाब से जो है उतना यूज़ नहीं आए किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है, और फूड वैल्यू के हिसाब से भी जो ऐसे प्लांट हैं, और राजस्थान के प्लांट्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसे आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 12th यूनिट हमारी टेक्निक्स की है, इसमें हमें टेम और सेम देखना है, कन्फोकल देखना है, फेस कंट्रास्ट देखना है, और इसकी फिक्सेशन रिस्टेनिंग कैसे की जाती है, HPLC देखना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइसा, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और सेंट्रीफ्यूजेशन। तो ये था आपका बॉटनी का फर्स्ट पेपर। अब चलते हैं सेकेंड पेपर की तरफ। अब सेकेंड पेपर में देखते हैं, तो फर्स्ट यूनिट हमारी फिजियोलॉजी है, सीधे सीधे प्लांट वाटर रिलेशन देख लीजिएगा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट देख लीजिएगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट देख लीजिएगा। सेकेंड यूनिट हमारी एंजाइम्स हैं, उसमें वही पूरा नेट का जितना सिलेबस था, क्लासिफिकेशन है, एक्शन है, रोल क्या है मेटाबॉलिज्म में, काइनेटिक्स कैसे कैसे वर्क करती है, एंजाइम एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है, एक्टिव साइट क्या है, कोएंजाइम क्या है, एक्टिवेटर इनहिबिटर का कॉन्सेप्ट और आइसोजाइम्स, ये सब आपको पढ़ना है। फिर बात आती है थर्ड यूनिट की, जिसमें हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये समझ लीजिए फिजियोलॉजी का ही पार्ट है, पहले आपका जो है दे दिया है आपका ट्रैवल, उसके बाद में फोटोसिंथेसिस, पहले ट्रांसपोर्ट दिया है, फिर आपका थर्ड में फोटोसिंथेसिस दिया है। तो फोटोसिंथेसिस में सिमिलर चीज़ें हैं, पिगमेंट्स हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन है, मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का, फोटोरेस्पिरेशन है, और वही C4 प्लांट में कैसे होता है, सारे साइकिल्स आपको याद करने पड़ेंगे, कैम के बारे में जानिए। फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है सिंपल आपका, उसके बाद में अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन सिंथेसिस है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है। तो यहाँ पे फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का मिक्स कह सकते हैं आप। फिर फिफ्थ यूनिट में है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में वही ग्लाइकोलिसिस है, TCA है, ऑक्सीडेटिव है, ETS है, ग्लाइकोजन कैसे ब्रेक डाउन होता है, और हेक्सोज और पेंटोज सेंट आपके जो यूज़ होते हैं वो हैं। सिक्स यूनिट में हमारा सीड डॉर्मेंसी एंड जर्मिनेशन है, और जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ने हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है इन सारे हार्मोन्स का, ऑक्सिन का, जिब्रेलिन का, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जेस्मोनिक एसिड, इन सब का। फिर पढ़ना है हमें प्लांट रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, प्लांट रिस्पॉन्सेज टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस के बारे में, और फाइनली फिजियोलॉजी पढ़नी है फ्लावरिंग की, जो कि है फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन। तो आपने नेट निकाला है, तो अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट पढ़ी होगी तो ये सब में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। फिर है हमारा सेल बायोलॉजी आ जाता है, जिसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन, सेल ऑर्गेनेल के सारे फंक्शन हमें जानने, स्ट्रक्चर जानना है, न्यूक्लियस हो गया, DNA का स्ट्रक्चर हो गया, रेप्लिकेशन, डैमेज, रिपेयर, ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, सेल साइकिल के बारे में इसी में पढ़ेंगे, क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर, उसका ऑर्गेनाइजेशन, और स्पेशलाइज टाइप ऑफ क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं हमारे, लैम्ब्रश और पॉलिटीन, उनके बारे में पढ़ेंगे, बैंडिंग पैटर्न पढ़ेंगे, और म्यूटेशंस या फिर क्रोमोसोमल एबरेशन हम पढ़ेंगे, पॉलीप्लॉयडी पढ़ेंगे। 8th यूनिट पूरा आपका जेनेटिक्स है, आपको सीधे नेट का जो सिलेबस है जेनेटिक्स का वो पढ़ना है, उससे बल्कि कम ही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। और 9th यूनिट आपका टेक्निक्स, सेल बायोलॉजी के जितने टेक्निक्स हैं आपके, फिश हो गया, जिश हो गया, जेनेटिक कोड हो गया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो गया, ओपेरॉन मॉडल हो गया, ठीक है, RNA पॉलीमरेज हो गया, फिर जेनेटिक मैपिंग आपको देखनी है, मॉलिकुलर बेसिस देखना है म्यूटेशन का, और उसके बाद में उसका क्या रोल है इवोल्यूशन में, ठीक है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट ब्रीडिंग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया है कि क्रॉस पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स, म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये सब के बारे में जान जाइएगा। 10th यूनिट में आता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको जानना है प्रिंसिपल और स्कोप जानना है बायोटेक्नोलॉजी का, प्लांट सेल और टिश्यू कल्चर देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए टोटिपोटेंशी का, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होता है, एडवेंटिशियस सूट बट डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एक्सिलरी बट प्रोलिफरेशन देखना है, एम्ब्रायोजेनेसिस देखनी है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन देखना है, मतलब आपका पूरा जो बायोटेक का यूनिट है वो इसमें आ जाता है, क्लोन्स से लेकर हाइब्रिड से लेकर सब कुछ। फिर बात आती है रिकम्बिनेंट DNA में जो इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं, मेथड्स हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, जीन क्लोनिंग हो गई, सारी टेक्निक्स प्रिंसिपल्स, ट्रांसजेनिक्स इसमें आपको ये देखने हैं, एग्रोबैक्टीरियम का काम देखना है, माइक्रो इंजेक्शन कैसे होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जीनोमिक्स के बारे में देखना है, और फाइनली आपका 12th यूनिट जो है वो क्या है,
प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जैसे जूलॉजी में लास्ट यूनिट स्टैटिस्टिक्स थी वैसे बॉटनी में भी स्टैटिस्टिक्स है, तो आपको सिंपली वही आपका ग्रेजुएशन वाला स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक है वो आपको पढ़ लेना है। तो ये था आपका बॉटनी का सिलेबस, और अगर आपको और इस पर वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।